हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पिक्सल रोम के बारे में। सो मेरे हाथ में है दोस्तों शाओमी का MI A2, एंड इसके अंदर मैंने पिक्सल रोम एंड्रॉयड 11 को इंस्टॉल किया है। इससे पहले भी दोस्तों ये जो पिक्सल रोम है एंड्रॉयड 11 के साथ बीटा 3 के साथ अवेलेबल हुआ था शाओमी MI A2 डिवाइस के अंदर। बट ये जो बिल्ड है दोस्तों एंड्रॉयड 11 का स्टेबल अपडेट का बिल्ड है शाओमी MI A2 डिवाइस के अंदर। सबसे पहले चलते हैं भाई सब सेटिंग्स के अंदर, एंड उसके बाद चलते हैं दोस्तों अबाउट फोन के अंदर, एंड उसके बाद एंड्रॉयड वर्सन में टैप करते हैं। एंड एंड्रॉयड वर्सन के अंदर देख ही पाओगे एंड्रॉयड 11 हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, एंड एंड्रॉयड 11 का जो स्टार है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। सो एंड्रॉयड वर्सन के अंदर एंड्रॉयड 11 5th September 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है, जो कर्नल है दोस्तों 4.4 शाओमी का, जो SDM660 स्टॉक कर्नल है वही मिल जाती है। अलग से कोई भी कर्नल को यहाँ पर नहीं दिया गया है। सो ये जो रॉम है दोस्तों पिक्सल रॉम है, मतलब पिक्सल डिवाइस से यहाँ पर पोर्ट किया गया है शाओमी MI A2 डिवाइस के लिए। मेरे हिसाब से जो पिक्सल टू एक्सेल हुआ से पोर्ट किया गया है MI A2 डिवाइस के लिए, इसलिए आपको जो पिक्सल का जो फीचर्स है वो सभी मिल जाती है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड बहुत ही बढ़िया ये रॉम काम करते हैं। सो इससे पहले दोस्तों जो बीटा 3 आया था उसका मैंने रिव्यू डाला था, किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से उस रॉम को इंस्टॉल करते हैं अपने MI A2 डिवाइस के अंदर, हर एक स्टेप का मैंने वीडियो डाला था, मतलब स्टेप बाय स्टेप वीडियो डाला था। उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं मेनली जो स्टेबल रॉम आया है इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या चीज हमें टोटली मिल जाती है। सबसे पहले दोस्तों इस रॉम को इंस्टॉल करने के बाद जो चीज आप नोटिस करोगे, इस रॉम के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको जो जीकैम है वो प्री इंस्टॉल मिलता है। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, आपको इस डिवाइस के अंदर इस रॉम के साथ आपको जो गूगल कैमरा है, जो जीकैम है, वो प्री इंस्टॉल मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे ये जो गूगल कैमरा है प्री इंस्टॉल मिलता है, मैं इसे अनइंस्टॉल भी नहीं कर पाऊंगा, एंड जीकैम 7.3 के साथ मिल जाती है। बट द थिंग इज दैट ये जो गूगल कैमरा है दोस्तों यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। सो अगर आपके डिवाइस पर गूगल कैमरा काम नहीं कर रहा है, जो प्री इंस्टॉल मिलता है वो अगर काम नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक दूसरा गूगल कैमरा को इंस्टॉल किया है, ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन अगर आप चाहो तो जीकेएम 7.4 को भी इंस्टॉल करके देख सकते हो। एंड गूगल कैमरा काम कर रहा है क्योंकि दोस्तों कैमरा टू एपीआई के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट मिल जाती है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड अगर आपको दोस्तों रूट की जरूरत है, यस भाई साहब, अगर आप एंड्रॉइड 11 के साथ रूट को यूज करना चाहते हो, एंड्रॉइड 11 के साथ मैजिक इसको यूज करना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है। किस तरह से एंड्रॉइड 11 को रूट करते हैं इसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाया हूं। अगर आप अपने एंड्रॉइड 11 डिवाइस को रूट करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से जाइए, वहां पर जाके आप देख लीजिए किस तरह से एंड्रॉइड 11 को रूट करते विथ हेल्प ऑफ मैजिक एसके, स्पेशल मॉडिफाइड मैजिक एसके फाइल है जिससे आप रूट भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट फीचर इस बिल्ड के अंदर ऐड किया गया है दोस्तों आर बोट थीम। सो जो आर बोट थीम है दोस्तों अभी फिलहाल बीटा स्टेज के अंदर है और अल्फा स्टेज के अंदर है, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए कुछ कुछ दिक्कत यहाँ पर हमें देखने को मिला है। यहाँ पर आप दोस्तों जो गूगल का कीबोर्ड होता है, गूगल का जो जीबोर्ड होता है, उसके अंदर अलग अलग थीम्स को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग आपको थीम मिलेगा, इवन जो साउंड है आप अलग अलग साउंड को भी ऐड कर सकते हो, थीम को आप दोस्तों सर्च कर सकते हो या सब थीम्स को अप्लाई कर सकते हो, इवन फाइल मैनेजर से थर्ड पार्टी सोर्सेस से भी थीम्स का अप्लाई करके देख सकते हो। जो आर्टबोर्ड थीम है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ कुछ टाइम क्रैश कर जाता है, तो ये चीज मैंने नोटिस किया है। उसके बाद आती है दोस्तों कॉल स्क्रीन बाय गूगल। सो गूगल का जो कॉल स्क्रीन है, अगर आप उसे यूज करना चाहते हो इस रॉम के अंदर, वो पॉसिबल है दोस्तों। आप यहाँ से एंड्रॉइड 11 के साथ जो कॉल स्क्रीन है उसका मजा ले पाओगे। ओवरऑल दोस्तों स्टेबिलिटी के अंदर इंप्रूवमेंट किया गया है, एज वेल दोस्तों जो फोन कॉल का बग था लास्ट बिल्ड के अंदर, आप फोन कॉल यूज नहीं कर पाते थे, तो अभी दोस्तों इसे फिलहाल फिक्स करके दिया गया है। फोन कॉल के साथ कोई भी इशू नहीं है, फर्स्ट क्लास काम करेगा, फोन कॉल को भी फिक्स करके दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात हमें यहाँ पर लगी है। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों यहाँ पर जो आपका प्ले स्टोर है और गूगल का एप्लीकेशन आपको इस रॉम के साथ प्री इंस्टॉल मिलेगा, आपको अलग से फ्लैश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद अगर बात करूं प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट की, डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड का ऑप्शन आ गया, इसका मतलब है होपफुली जो यूपीआई एप्लीकेशन है फोन पे गूगल पे इस रॉम के अंदर शायद काम ना करे, बाकी आप टेस्ट कीजिएगा उसके बाद हमें बताइएगा। एंड उसके बाद अगर बात कर लेते हैं गिग बेंच की स्कोर की, तो चलते भाई सब गिग बेंच का स्कोर, इसके साथ हमें परफॉर्मेंस जो है वो मालूम पड़ेगा। सो सिंगल कोर के अंदर हमें इसको स्कोर मिला है 328, जो मल्टी कोर के अंदर हमें स्कोर मिला है 1219। जो सिंगल कोर का स्कोर है वो थोड़ा सा कम है, बट जो मल्टी कोर का स्कोर है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव हमें लगा है। ऐसे आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो मल्टी कोर के अंदर हमें काफी बढ़िया यहाँ पर स्कोर मिला है। सो इससे हमें मालूम चलता है अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो इस रॉम के अंदर, तो आपको ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस मिलने वाला है इस रॉम के साथ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीकोर का जो स्कोर है वो काफी बढ़िया मिला है। बाकी यहाँ पर एंड्रॉइड 11 विद पिक्सल रॉम है, इसलिए आपको पिक्सल का जितने भी फीचर है वो हमें यहाँ पर मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको जो लाइव के ऑप्शन फीचर है वो मिल जाती है, दोस्तों पिक्सल ऑनली फीचर नहीं है, फिर भी दोस्तों अगर आप AOSP रॉम यूज करते हो तो उसके अंदर आपको लाइव के ऑप्शन फीचर नहीं मिलता है।
उसके साथ दोस्तों ये जो स्क्रीनशॉट के अंदर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, ये भी दोस्तों मैंने एओएसपी रॉम के अंदर नोटिस नहीं किया है, बट पिक्सल के अंदर ये फीचर मैंने नोटिस किया है। पिक्सल एक्सक्लूसिव फीचर हो सकता है, आई डोंट नो। एंड काफी बढ़िया रॉम है दोस्तों, आपको ओवरऑल एंड्रॉइड 11 का जितने भी फीचर है सबका फीचर का आप मजा ले पाओगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मिलती है, डिवाइस ऑडियो प्लस माइक्रोफोन दोनों यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर आपको नियर बाई शेयरिंग मिल जाती है, डेडिकेटेड डार्क मोड है, आप डार्क मोड यूज कर सकते हो। एंड्रॉइड 11 का जो डार्क मोड है काफी बढ़िया है, शेड्यूल कर सकते हो। एंड उसके साथ दोस्तों बाकी जो यूजफुल ऑप्शन है वो तो हमें मिल ही जाती है, बेड टाइम है। कास्ट स्क्रीन की बात करूं दोस्तों वो शायद यहाँ पर काम कर रहा है। एंड वन मोर थिंग दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बग्स के बारे में। सो मैंने यहाँ पर दो बग को नोटिस किया है। नंबर वन जो बग है दोस्तों वो है आपका हॉटस्पॉट की बात करूं दोस्तों, हॉटस्पॉट कंप्लीटली ब्रोकन है, हॉटस्पॉट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, बट मोबाइल डेटा यहाँ पर काम कर रहा है। सो हॉटस्पॉट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। नंबर टू बग जो मैं पर्सनली जिससे नोटिस किया हूं दोस्तों वो है रैंडम रिबूट का प्रॉब्लम। जब से मैंने इस रॉम को इंस्टॉल किया है कुछ टाइम के बाद ये जो रॉम है दोस्तों ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये चीज मैंने फेस किया है। शायद ये जो इश्यू है दोस्तों जीबोट का रिलेटेड इश्यू हो सकता है, बट कुछ टाइम के बाद लगभग 1 आवर के बाद एंड 2 आवर के बाद ऑटोमेटिकली जो मेरा फोन है दोस्तों रीस्टार्ट होता है। सो इस चीज को मैंने फेस किया है। अगर आप इस रॉम को फ्लैश करते हो, फ्लैश करने के बाद क्या इश्यू आप फेस कर रहे हो, ये हमें जरूर से कमेंट करके बताना। कि आप दोस्तों रैंडम रिबूट का इश्यू फेस किए हो ये हमें जरूर से कमेंट करके बताना, तो हमें जरूर से मदद हो जाएगी। एंड इस रॉम को फ्लैश करने का जो प्रोसेस है बहुत ईजी है। ऑल्दो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है इंस्टॉलेशन वीडियो का, उसका लिंक मैं छोड़ दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। सिंपली TWR रिकवरी का जो लेटेस्ट वर्जन है उसे यूज करना, और जो आपको ऑरेंज फॉक्स रिकवरी मिलता है उसके साथ आप फ्लैश कर दीजिएगा वाइप करने के बाद, एंड क्लीन फ्लैश होगा, यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको पिक्सल का जो ऑप्शन है इसकी सेफ्टी एप्लीकेशन मिल जाती है, उसके बाद दोस्तों पिक्सल एक्सक्लूसिव फीचर है। सो इस तरह से आपको पिक्सल का सभी फीचर ऑलमोस्ट मिल जाती है, कोई भी इशू नहीं है। एंड अगर आप लेटेस्ट वर्जन का मजा लेना चाहते हो तो प्ले स्टोर में जाइए, माई एप्स में जाइए दोस्तों, सभी जितने भी एप्लीकेशन को आपको अपडेट मिलेगा सभी एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपडेट कर लीजिए। यहाँ पर आपको कुछ कुछ फीचर है जो कि पिक्सल वाली फीचर है, जैसे कि यहाँ पर आपको साउंड है, उसके बाद यहाँ पर जो डिवाइस पर्सनलाइजेशन, पर्सनल सेफ्टी, ये सभी ऑप्शन एप्लीकेशन दोस्तों, कनेक्टिविटी सर्विस, ये सभी एप्लीकेशन आपको पिक्सल एक्सप्रेस मिल जाती है। सो ओवरऑल ये जो रॉम है काफी बढ़िया रॉम है। कुछ कुछ चीजें जो कि आपको ध्यान में देना होगा, जैसे कि हॉटस्पॉट काम नहीं कर रहा है, एंड रैंडम रिबूट का इशू मैंने फेस किया है जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। बाकी वाईफाई ब्लूटूथ काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर बैटरी लाइफ की बात करूँ, एक्सट्रीमली गुड बैटरी बैकअप मिलेगा इस रॉम के साथ, आपको बैटरी बैकअप में कोई भी शिकायत नहीं आना चाहिए। एंड यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ फिंगरप्रिंट, ये देखो भाई साहब फिंगरप्रिंट जो है काफी ज्यादा फास्ट है। ये देखो मैं टच करूंगा ओपन हो जाएगा, लॉक किया ओपन, लॉक किया अनलॉक, लॉक किया अनलॉक। सो फिंगरप्रिंट सेंसर काफी ज्यादा फास्ट है, बट अनफॉर्चुनेट दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी जो फेस अनलॉक है वो नहीं मिलता है। फेस अनलॉक ऑफकोर्स यहाँ से हटा दिया गया है। एंड काफी बढ़िया है दोस्तों इस रॉम को यूज करने से पहले एक चीज बता दूं, अगर आप पहली दफा जब इस रॉम को यूज करोगे तो दोस्तों आपका जो DPI है DPI के अंदर इशू आ सकते हैं। तो आप क्या करोगे दोस्तों, सिंपली आपको अबाउट फोन में जाना होगा, अबाउट फोन में जाके यहाँ पर जो बिल्ड नंबर है बार बार टैप कीजिए, डेवलपर ऑप्शन जो है अवेलेबल हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन अवेलेबल होने के बाद सिस्टम में जाइए, एडवांस में जाइए, डेवलपर ऑप्शन में जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा स्मॉलेस्ट करके, इसमें आप 420 कर दीजिए। 420 करने के बाद आपका जो DPI का इश्यू है दोस्तों फिक्स हो जाएगा। सो इस सिस्टम को ध्यान देना होगा, एंड बहुत ही बढ़िया रॉम है, मेरे सब सिस्टम को ट्राई कीजिएगा। एंड इन फ्यूचर आपको एंड्रॉइड 11 के साथ और भी बहुत सारे रॉम्स देखने को मिलेगा, जो कि आई एम श्योर आपको बहुत ही मजा आएगा रॉम्स को यूज करने में। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए, एंड एमआईटी के रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिएगा अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय।